तो लोकिज्म के एपिसोड 1 में दिखा जाता है कि अपना हीरो पार्क एक आदमी जो लेफ्ट हैंड में पैसे लिए है, राइट हैंड में सिगरेट है, गले में सोने की चैन और शरीर में खतरनाक टैटू। लेकिन भाई ये तो स्टूडेंट है जो कि अपने हीरो के स्कूल में ही पढ़ता है। फिर ये टैटू वाला बंदा हीरो से कहता है तू पैसे नहीं लाया, तो हीरो चलो छोड़ो है तो है, क्या ही कर सकते हैं। फिर लड़की और लड़का हीरो के बारे में गुंडे से कुछ बोलते हैं जिससे गुंडे को अपने हीरो पर गुस्सा आ जाता है और हीरो से कहता है चल डॉगी की तरह कूद। फिर वो लड़की कहती है ये क्या कूदेगा और हीरो को एक लात मारता है जिससे वह लड़की पर। लड़की हीरो से कहती है तू मेरी स्कर्ट के अंदर क्या झांक रहा है। तो गुंडा हीरो को बुली करता हुआ हीरो को बहुत मारता है और टॉयलेट के पास फेंक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखा जाता है कि हीरो को भूख लगी है और वह उठकर मैगी बनाने लगता है और गाना गुनगुनाने लगता है। फिर तभी उसकी माँ काम करके घर आती है और हीरो से कहती है आज मैं लेट हो गई। फिर हीरो से कहती है लो मैं खाना बना देती हूँ और वो बनाने भी लगती हैं। फिर गुंडे का दोस्त हीरो के मुंह पर एक जोरदार बॉल मारता है, इसलिए टैटू वाला गुंडा हीरो पर गुस्सा हो जाता है और कहता है जब मैंने बॉल मारी तो तू नीचे क्यों बैठ गया था। और फिर हीरो को वो बहुत मारता है जिसकी वजह से हीरो अधमरा हो जाता है। तभी हीरो की माँ प्लेग्राउंड में आ जाती है तो सभी गुंडे हीरो को मारना छोड़ देते हैं। हीरो अपनी माँ को प्लेग्राउंड में देखकर उन्हें चिल्लाता है और कहता है आप यहाँ चली जाओ। फिर हीरो के घर का सीन दिखाया जाता है तो मम्मी हीरो से कहती है तुम्हारे स्कूल के तबादले की बात मैंने कर ली है। फिर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है कि अपना मोटा हीरो रूम शिफ्ट कर रहा होता है क्योंकि उसने अपना एडमिशन दूसरे स्कूल में करा लिया होता है। फिर अपना हीरो रास्ते में कहीं घूम रहा होता है तो वह घूमते घूमते एक लड़की से टकरा जाता है, लेकिन लड़की हीरो को कुछ नहीं बोलती। तो हीरो मन में सोचता है अब सब बदल गया है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर अचानक से लड़की का दोस्त वहाँ आ जाता है और हीरो को काफी मारता है जिससे हीरो लहूलुहान हो जाता है। हीरो के मार खाने की वीडियो काफी वायरल हो जाती है तो हीरो अपने फोन में वायरल वीडियो देखकर रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। फिर हीरो की आँख खुलती है और उठते ही गिर जाता है और कहता है घर की छत नीचे कैसे हो गई, सिंक इतना नीचे कैसे हो। और फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर अपने हीरो को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं यह है अपने क्लास का नया स्टूडेंट। तो हीरो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ पार्क युंग सोक। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या यहाँ अपने हैंडसम हीरो की जिंदगी बदलने वाली है, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।